हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आइडियाज। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे मेरा वार्डरोब, इस छोटे से वार्डरोब को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, इसके कुछ आइडियाज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वार्डरोब के सबसे ऊपर वाले शेल्फ से। तो इस शेल्फ में मैंने एक साइड पे रखे हैं कुछ हैंडबैग, जो मैं जब बाहर जाती हूँ तब इस हैंडबैग्स का इस्तेमाल करती हूँ। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे रखे हैं कुछ हेवी ड्रेसेस जो मैं बाहर जाते वक्त पहनती हूँ। ये कभी कभार यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रखे है। इस नीचे की बैग में मैंने कुछ लहंगाज और वन पीसेस को अच्छी तरीके से रैप करके रखा है। इसी शेल्फ के एग्जैक्ट नीचे वाली जो शेल्फ है, इसमें मैंने रखे है कुछ रेगुलर पहनने वाले ड्रेसेस और कुर्तीज। डेली यूज में इस्तेमाल होने वाले कपड़े हमेशा जो इजीली आप निकाल सकते हैं ऐसे ही जगह पे रखें। इन ड्रेसेस के साथ साथ मैंने एक छोटी सी बास्केट यहाँ पे रखी है और इसमें मैं रखती हूँ छोटे से हैंडबैग, क्लचेस वगैरह, जो मैं मार्केट वगैरह जाते वक्त इजीली इन्हें निकाल सकूं। इसके साथ साथ मैंने कुछ फैंसी क्लच वगैरह इसमें रखे हैं और इन क्लच को मैं हमेशा कुछ इस तरीके से बैग में रखती हूँ। इससे इनके ऊपर की जो डिज़ाइन और शाइन होती है वो ख़राब नहीं होती, इसलिए मैं हमेशा इन्हें कुछ इसी तरीके से प्लास्टिक के बैग में रख देती हूँ। अब आते हैं इसी के पास वाले एक लॉन्ग शेल्फ में, जहाँ पे मैंने कुछ फैंसी टॉप वगैरह हैंग करके रखे है। इन फैंसी टॉप को हैंग करने के लिए मैं कभी भी रेगुलर हैंगर का इस्तेमाल नहीं करती। इसके लिए कुछ इस तरीके के हैंगर्स आते हैं, इसमें जस्ट आपको इस टॉप का स्लीव सेट करना होता है। इससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही जगह पर रहते हैं और यहाँ वहाँ स्लीव भी नहीं होते। और इन सारे हैंगर्स को मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही स्लीवलेस और क्रॉप टॉप जैसे काफ़ी टॉप को मैंने ऐसे ही प्रकार के सभी हैंगर्स में सेट करके रखा है, इससे ये कभी स्लिप ना हो जाए और एक ही जगह पे अच्छे से सेट रहे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ कॉटन के फुल स्लीव्स वाले शर्ट वगैरह भी हैंग करके रखे हैं, जो प्रेस करके मैं यहाँ पे हैंग करके रखती हूँ। साथ साथ यहाँ पे मैंने एक लेदर का जैकेट भी हैंग करके रखा है, जो मैं ज्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए मैं एक बात आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि इस लेदर के जैकेट या फिर ब्लेजर के लिए आप कभी भी रेगुलर हैंगर का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए ये जो ब्रॉड शोल्डर वाले हैंगर्स मिलते हैं, इसका इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि ये जो ब्लेजर और लेदर के जैकेट वगैरह होता है, इसके जो शोल्डर्स होते हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं और इन हैंगर्स के शोल्डर्स भी काफी ब्रॉड होते हैं। इसीलिए इन सभी प्रकार के ब्लेजर और जो लेदर के जैकेट होता है, इसका शोल्डर भी हमेशा ऐसे ही बना रहता है, इसीलिए आप हमेशा इन ब्रॉड शोल्डर वाले हैंगर का इस्तेमाल करें। और इस शेल्फ के नीचे की साइड में मैंने रखी है एक बास्केट। इस बास्केट में मैंने काफी फैंसी टॉप, रेगुलर यूज वाले टी शर्ट वगैरह रखे हैं। इन फैंसी टॉप और टी शर्ट को मैंने फाइल सिस्टम में फोल्ड करके रखा है, इससे ये बहुत ही जल्दी विजिबल भी होते हैं और इसे निकालना और रखना बहुत ही आसान हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे फाइल सिस्टम में रखा है। इसी बास्केट के पीछे थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सिल्क के टॉप, शर्ट वगैरह और कुछ टी शर्ट वगैरह रखे हैं, जो मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। इन ओपन शेल्फ के नीचे अब है चार ड्रावर्स। सबसे पहले ड्रावर में मैंने सारे लेगीज, कुछ पैजामाज और नाइट पैंट्स वगैरह रखे हैं। इसके साथ साथ कुछ प्लाजोस रखे हैं, जिसको मैंने फाइल सिस्टम में रखा है। इससे ये बहुत ही जल्दी विजिबल होते हैं, इसे निकालना और रखना भी बहुत आसान होता है। इसके नीचे वाले ड्रावर को बनाते वक्त ही मैंने कुछ डिवाइडर इसमें बना लिए थे, जिसमें मैं सॉक्स, हैंकीज और कुछ इनर वेयर वगैरह फोल्ड करके रख सकूं। मार्केट में कई प्रकार के डिवाइडर आपको ड्रावर के लिए मिल जाएंगे, ऐसे ड्रावर के डिवाइडर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। इसके पास वाले ड्रावर को भी मैंने कुछ इसी तरीके से बनवा लिया था और इस ड्रावर में रखती हूँ मैं कुछ हेयर एक्सेसरीज, हेयर स्टाइल्स, कुछ हेवी बैंगल्स वगैरह इसमें रखती हूँ। इसके साथ साथ दो से तीन मेरे रेगुलर यूज वाले जो रिस्ट वॉच है वो भी इसमें रख देती हूँ। मेरे पास सेपरेट ड्रेसिंग टेबल है, जिसमें मैं कॉस्मेटिक्स और सारे मेकअप का सामान वगैरह रखती हूँ और इस ड्रावर में सिर्फ जो फैंसी बैंगल्स और ब्रेसलेट वगैरह है वो ही रखती हूँ। इन बैंगल का कवर खो जाने के बाद मैंने इसे कुछ इस तरीके से जिपलॉक बैग में रखा था, ताकि ये खराब ना हो जाए।
अब आते हैं इसके नीचे वाले ड्रॉअर पे, जिसमें मैंने कुछ जीन्स और ट्राउजर्स वगैरह रखे हैं। अब आते हैं इस वार्डरोब के सबसे नीचे वाले पार्ट में। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी जो रेगुलर और नॉर्मल साड़ीज है वो यहाँ पे हैंग करके रखी है। ये जो सेक्शन है मैंने पर्सनली बनवा के लिया था। इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि ये जो रॉड है इसके बीच में काफी सारे स्पेस है, तो इस एक रॉड पे आप एक से दो साड़ियां बहुत ही इजीली हैंग करके रख सकते हो। इससे होता यह है कि साड़ी के एक ही सेक्शन में आपकी काफी साड़ियां यहाँ पे बैठ जाती है। साड़ी की अगर आप छोटी सी फोल्ड कर ले तो इसके नीचे काफी सारी स्पेस बच जाती थी, और इस स्पेस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो जाए इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से एक स्लाइडिंग का ड्रावर यहाँ पे बना लिया था। और इस नीचे की ड्रावर में मैंने रखा है ब्लाउज और पेटीकोट्स। ब्लाउज को रखने के लिए स्पेशली अमेजोन से मैंने कुछ इस तरीके से ब्लाउज का एक बैग मंगवा लिया है। अगर आपके सिंपल प्लेन ब्लाउज हो तो 10 से 15 ब्लाउज बहुत ही इजीली इस कवर में बैठ जाते हैं। बिलीव मी गाइज, ये बहुत ही यूजफुल चीज है, हर एक घर में ये होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट साड़ी की बैग में मैंने मेरे जो शादी वाली साड़ी है वो रखी है, क्योंकि ये काफी हेवी है। इसी तरीके से एक दूसरे ब्लाउज के बैग में मैंने बाकी के हेवी ब्लाउजेस है वो रखे है। पैडेड ब्लाउजेस वगैरह रखने के लिए ये बैग बहुत ही काम आती है। हेवी ब्लाउजेस को जो हम हेवी लटकन्स लगाते हैं, इसकी बहुत ही जल्दी शाइन वगैरह निकल जाती है या फिर ये दूसरे ब्लाउजेस में अटक जाती है, इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे पेपर रैप करके रखा है ताकि ये ज्यादा खराब ना हो जाए और दूसरे ब्लाउज में स्टक ना हो जाए। बस दो साड़ियों की बैग थी, जिसकी एक बैग में मैंने सारे पेटीकोट्स रखे हैं जो बहुत ही इजीली विजिबल होते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी बैग है इसमें मैंने सारे हेवी साड़ियाँ और सिल्क की साड़ियाँ इसमें रखी है। दो साड़ियों के बीच में मैं हमेशा कुछ इस तरीके से सफेद रुमाल वगैरह बिछा के रखती हूँ, जिससे ये साड़ियाँ एक दूसरे से चिपकती नहीं है या फिर इसकी डिजाइन कभी खराब नहीं होती। इसीलिए सभी सिल्क और हेवी साड़ियों के बीच में मैं कुछ इस तरीके से सफेद रुमाल बिछा के रखती हूँ, इससे ये साड़ियाँ काफी सुरक्षित रहती है। इस वार्डरोब के सबसे टॉप शेल्फ में मैंने काफी सारे सीजनेबल क्लॉथ्स, जैसे कि विंटर वेयर वगैरह और स्वेटर जर्किंग वगैरह होते हैं, जिसे मैंने इस बड़े से शेल्फ में रखा है। इसे मैं सीजनेबल ही नीचे निकालती हूँ, रेगुलर वार्डरोब में इसे नहीं रखती। अगर आप मेंस वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर जरूर बताएं, हम इसके ऊपर भी वीडियो जल्द ही बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।